ब्रिटेन में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। नई सरकार आने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है। नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस के सामने सबसे बड़ी समस्या अब हिंदुओं की रक्षा करना है, क्योंकि मुसलमानों ने जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है, उससे आने वाले वक्त में ब्रिटेन के साथ साथ पूरी दुनिया में बड़ा बवाल होना तय दिख रहा है, जिसको लेकर अभी से ही अगर ट्रस सरकार ने बड़ा कदम नहीं उठाया तो उन्हें कहीं लेने के देने न पड़ जाए। बता दें कि ब्रिटेन के कई शहरों में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अब भारत का भी माथा ठनक गया है और जल्द से जल्द वो भी इस पर एक्शन लेने की मांग कर रहा है। क्योंकि बात हिंदुओं की है, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने भी तत्काल प्रभाव से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि जल्दी से जल्दी हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए और जो मुसलमान कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि हिंदुओं पर अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भारत के क्रिकेट मैच से जुड़ी जीत और हार का मामला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक क्रिकेट मैच की वजह से हिंदुओं को ब्रिटेन में अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अभी हाल ही में एशिया कप समाप्त हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो बार आमने सामने आए, पहला 28 अगस्त को, दूसरा 4 सितंबर को। 28 अगस्त को भारत ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि 4 सितंबर को पाकिस्तान ने। वहीं जब 28 अगस्त को भारत की जीत पर हिंदुओं ने जश्न मनाया तो ये बात मुसलमान कट्टरपंथियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भारत के तिरंगे पर गलत मार्क लगा दिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। हालांकि किसी तरीके से मामले को शांत कराया गया, लेकिन जब 4 सितंबर को पाकिस्तान ने जीत दर्ज की तो ये मुसलमान कट्टरपंथी हिंदुओं पर हावी हो गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। इसके अलावा हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को भी उन्होंने निशाना बनाया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद विवाद गहराता गया और मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को बकायदा एक चिट्ठी लिखकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं की रक्षा के लिए गुहार लगाई है और कहा है कि मुसलमान कट्टरपंथी जिस तरीके से उग्र हो रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस पूरे मामले पर ट्रस्ट सरकार को आगाह कराया है और चिट्ठी लिखते उन्होंने जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आलोक कुमार ने पत्र में लिखा है, उपद्रवी झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं ने पहले उन्हें नुकसान पहुंचाया। अगर ऐसा होता तो अस्पतालों में भर्ती होने वाले सारे लोग हिंदू नहीं होते, मुसलमानों के घरों, संपत्तियों या धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुँचा होता। ये हिंदुओं पर सीधा हमला किया गया है। कई हिंदू पूजा स्थलों का अपमान कर उन्हें अपवित्र किया गया है। हिंदुओं को उनकी विरासत, परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए आतंकित किया जा रहा है और लेस्टर में कुछ हिंदुओं को ऐसा करने के लिए विवश भी होना पड़ा है। हिंदुओं के कई घरों और संपत्ति को नुकसान पहुँचा है। कई हिंदू परिवारों ने कई दिनों से अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे हैं। हिंदू स्वभाव से शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाले लोग हैं। ब्रिटेन में हिंदुओं की आबादी 1.5% है। हिंदुओं ने वहां आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटेन के हिंदू स्वरोजगार करते हैं और दूसरों को रोजगार प्रदान करते हैं। हिंदू समुदाय यूके के लिए बड़ी संपत्ति है। उन पर अत्याचार रोका जाना चाहिए। कड़े कदम उठाए बिना ब्रिटेन की शांति और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा। कट्टरपंथी विचारधाराओं के कारण होने वाली हिंसा और आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा कि विश्व हिंदू परिषद की इस चिट्ठी का कितना असर लिज ट्रस सरकार पर पड़ता है और कितनी जल्दी वो एक्शन लेती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के अलावा भारतीय उच्चायोग ने भी इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। उच्चायोग ने एक बयान जारी कर कहा, भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और हिंदू धार्मिक परिसरों और प्रतीकों की तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं। हमने ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया है और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अब इन बातों से समझा जा सकता है कि मामला कितना बड़ा हो चला है और भारत इस पर किस तरह से अपना रुख अपनाए हुए है। बहरहाल अभी नजरें विदेश मंत्री एस जयशंकर पर टिकी हुई है कि आखिर वो इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाते हैं और ब्रिटेन सरकार को किस तरीके से जवाब देते हैं।
फिलहाल विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा संभाला हुआ है, जिसकी वजह से ये उम्मीद है कि पूरा मामला जल्दी शांत हो जाए और ब्रिटेन में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो जाए।